अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ये सब ठीक होंगी। अच्छा, ये एक फर्स्ट इंटरफेस है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर फ्लटर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे ओपन करनी है, एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। मैं इसके ऊपर बाद में वीडियो अपलोड कर दूंगा। फर्स्ट जो आज का हमारा लेक्चर है वो ये है कि हम इसके अंदर मटेरियल ऐप और ये विजिट जो हमने पढ़े हैं वो हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है। ये सामने जो आपको जो स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, ये आपको कोड नज़र आ रहा है। ये आप जब भी न्यू एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो फर्स्ट बेसिक कोड यही आएगा। तो ये एक बेसिक एप्लीकेशन बनी होती है बिल्ट इन स्टार्ट से। ठीक है, आपने अभी ये कोड सारा देख के घबराना नहीं, ये सब चीज़ें बहुत ईजी हैं। आप लोगों को जब समझाऊंगा तो बहुत एक्सप्लेन करके डिटेल में समझाऊंगा तो फिर आपको समझ आ जाएंगी। फर्स्ट आप इसका ये इंटरफेस देख रहे हैं, ये कोड है। उसके बाद ये साथ कुछ फाइल्स लिखी हुई है, प्रोजेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके नीचे आपके प्रोजेक्ट का नेम है, अनटाइटल्ड वन लिखा हुआ है। इस प्रोजेक्ट का नेम, यहाँ पर आप कुछ भी अपना प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे वही लिखा हुआ आएगा। इसके अंदर कुछ इस तरह से फाइल्स हैं, डार्ट, आइडिया, एंड्रॉयड, बिल्ट, iOS, लिप वगैरह। ये सारी जो फाइल्स हैं यहाँ पर, इन सबको आपने अभी कुछ भी नहीं छेड़ना है। इसके अंदर सिर्फ आपने लिप के अंदर जो मेन डॉट डार्ट फाइल लिखी हुई है, ये वाली, ये इस लिप फोल्डर के अंदर है। ये सबसे पहले यहाँ पर ऐसे क्लोज होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये नीचे आ जाएगा और इसके अंदर मेन डॉट डार्ट के नाम से एक फाइल पड़ी होगी। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये मेन डॉट डार्ट के अंदर ये कोड लिखा हुआ जो यहाँ पर शो हो रहा है, जिसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, बाकी किसी भी फाइल को आपने अभी नहीं छेड़ना है। अभी अभी ये सारी चीज़ें आप रेस्ट ऑफ थिंग्स छोड़ दें कि हम बाद में इसको समझेंगे जब यहाँ पर जाएंगे। अभी ये जो इसका कोड है मेन डॉट डार्ट का, इसके अंदर हम चेंजिंग करेंगे, इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, विजिट्स लिखेंगे। ठीक है, ये साथ में आपको कुछ मोबाइल नज़र आ रहा होगा, ये मोबाइल कैमुलेटर होता है। ये एक वर्चुअल डिवाइस है जो मैंने अपने इस एंड्रॉयड स्टूडियो में इंस्टॉल की हुई है, जिसके अंदर हम जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे वो यहाँ पर रन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी ये जो कोड लिखा हुआ है, इस सारे कोड को हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर अपना दूसरा कोड लिखते हैं जो हमने स्टार्ट से करना है, खुद ही लिखेंगे। ये मैंने सारा रिमूव कर दिया है। तो इसमें जो सबसे पहला काम करना है आपने, वो आपने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। वो लाइब्रेरी क्या होगी? वो मटेरियल डॉट डार्ट होगी। वो हमेशा ही सबसे पहले हर स्क्रीन पर आएगी। उसके लिए वो लिखनी कैसे? आई लिखोगे, इंपोर्ट पे जाओगे, इसके ऊपर एंटर करोगे, ये इसके आगे सिंगल कोटेशन के अंदर यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करिए। यहाँ पर आपने स्मॉल एम के साथ मटेरियल लिखना है, तो ये सबसे पहले भी आ रही है मटेरियल डॉट डार्ट वाली, जिसके ऊपर फ्लटर आगे स्लैश लिखा हुआ है, एंटर कर देना। ठीक है, ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है। अब इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप था। जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर क्या करना है, हमने एक मेन फंक्शन बनाना है। जो मेन फंक्शन होगा वो कमांड देगा हमारी एप्लीकेशन रन करने का। ठीक है, जो सबसे पहला काम है वो ये है कि आपने यहाँ मेन फंक्शन बनाना है। वो मेन फंक्शन कैसे बनेगा? उसके साथ वर्ड लिखेंगे, आप वी लिखेंगे, वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। आगे स्मॉल एम के साथ आप लिखेंगे मेन, और फंक्शन कैसे बनाते हैं, इसके आगे सिंगल ब्रैकेट्स और उसके आगे कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। ठीक है, अब इन कर्ली ब्रैकेट्स तक जब हमने कर लिया तो ये हमारा एक मेन फंक्शन बन गया। ठीक है, इस मेन फंक्शन के अंदर हम एक कमांड देंगे एप्लीकेशन को रन करने की। ठीक है, तो हम कमांड कहाँ पे देते हैं? जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं उसके अंदर। मैंने एंटर किया, वो ब्रैकेट नीचे चलेगी। अब यहाँ पर मैं स्मॉल आर यू रन ऐप लिखा है, रन ऐप पहले नंबर पर वो ऑप्शन आ रहा है, आर यू लिखा है तो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन आ रहा है, मैं इसके ऊपर एंटर कर दूंगा। ठीक है, वो कह रहा है रन ऐप, ये कमांड मैंने दे दी। ठीक है, वो कह रहा है कौन सी ऐप को रन करना है, यहाँ पर उसका नेम लिखना है। तो नेम क्या है? कैपिटल एम स्मॉल वाई कैपिटल ए डबल पी, इसके आगे दो ब्रैकेट्स, स्टार्ट एंड। ठीक है, अब इसके एंड में हमने लगा देना है सेमी कॉलन। यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई। हमने इसको कहा कि हमारी जो रन ऐप है, सॉरी जो हमारी माई ऐप है, इसको रन कर दो। लेकिन माई ऐप हमने अभी बनाई नहीं है। ये जो हमने यहाँ पर माई ऐप विजिट लिखा हुआ है, ये अभी बनाया नहीं है हमने, तो इसलिए वहाँ पर उसके नीचे रेड लाइन आ रही है, एरर आ रहा है कि वो पूछ रहा है कि माई ऐप तो है ही नहीं आपके पास। तो हम वो माई ऐप कहाँ लिखेंगे? वो उसका हम स्टेटलेस विजिट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? स्टेटलेस विजिट। यहाँ पर मैंने स्मॉल एस लिखा है, सिर्फ स्मॉल एस लिखने से मेरे पास तीन ऑप्शन आ गए, स्टेटफुल, स्टेटलेस, स्टे नेम। अब मैंने अभी स्टेटलेस पे जाना है, सेकंड नंबर पर जो आ रहा है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसके ऊपर मैंने एंटर किया, तो यहाँ पर एक जगह पे कर्सर ब्लिंक हो रही है क्लास के आगे। ये एक स्टेटलेस विजिट का कोड है जो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया है। जहां कर्सर ब्लिंक कर दिए वहां पर आपने सेम वही नेम लिखना है जो आपने रन ऐप के अंदर ब्रैकेट में लिखा है। अब उसके अंदर हमने क्या लिखा है? कैपिटल एम के साथ माई कैपिटल ए के साथ ऐप। ठीक है, सिर्फ ये लिखना है, आगे ब्रैकेट्स नहीं लगानी है। सिर्फ ये लिखने से, माई ऐप लिखने से वो ऊपर वाला एरर रिमूव हो गया। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ आ गया? ये स्टेटलेस विजिट के अंदर हमने सिर्फ
ये कमांड दी है माई ऐप जो रन है, ये हमारी ये एप्लीकेशन है स्टेटलेस विजिट वाली, इसको रन कर दो, ये हम मेन फंक्शन में कह रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ तक आपने लिख लिया है स्टेटलेस विजिट आपने लिखा और उसके अंदर वो नेम लिख दिया जो यहाँ पर आ रहा था हमारे रन ऐप की कमांड के अंदर, ठीक है। अब आपने जो सेकंड काम करना है, ये स्टेटलेस के अंदर हम पहला विजिट कौन सा यूज़ करते थे, मटेरियल ऐप, वो अब हमने यूज़ करना है। वो यूज़ कहाँ करना है, जहाँ पर ये प्लेस होल्डर लिखा हुआ है ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लेस होल्डर लिखा हुआ आ गया, आपने ये सांप इसको रिमूव कर देना है, कॉस्ट भी रिमूव कर देना है, रिटर्न तक आ जाना है। अब आपने ये कहा कि हमारे पास जो स्टेटलेस विजिट है वो क्या रिटर्न करे, वो सबसे पहले मटेरियल ऐप को रिटर्न करे। मटेरियल ऐप पे क्लिक किया एंड जी आगे मटेरियल ऐप लिखा हुआ आ गया। अब इसकी ये जो दो ब्रैकेट्स हैं जिसके एंड में सेमी कॉलन आ रहा है, इसके अंदर एंटर करेंगे और इसके अंदर वो सारे विजिट्स यूज करेंगे जो हमने मटेरियल ऐप के अंदर पढ़े हैं। हमने क्या पढ़े हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइटल, टी स्मॉल के साथ टाइटल। इसके अंदर हम बगैर टेक्स्ट विजिट लिखे, सिर्फ डबल क्वेश्चन या सिंगल क्वेश्चन जो भी टाइटल लिखते हैं वो इसका टाइटल होता है। अब लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी ऐप है, हम उसके अंदर कोई भी उसका नेम दे देते हैं, लेट्स सपोज कैलकुलेटर दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके कॉमे के बाद आना है, जो ये एंड में कॉमा लगा हुआ है इसके बाद आना है, और यहाँ पर अब हमने थीम देना है। जब आप थीम देते हैं तो कैपिटल सॉरी स्मॉल टी के साथ थीम लिखते हैं, थीम ये एक्सेप्ट करता है कैपिटल टी के साथ थीम डाटा, ठीक है। थीम डाटा, यहाँ थीम डाटा की ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज हो रही है। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने इसको कलर देना है, तो वो कैसे देते थे, प्राइमरी स्पैच पी स्मॉल लिखा, प्राइमरी स्पैच इसके अंदर कैपिटल सी के साथ कलर्स डॉट, जो भी कलर का नेम आप देंगे वो कलर होगा, ठीक है। अब ये इसका जो है वो थीम हो गया है इस एप्लीकेशन का, ठीक है। अब ओके, यहाँ पर इस चीज़ को दोबारा समझो, मैं सारी चीज़ दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी मटेरियल डॉट डॉट, ठीक है। ये कैसे की थी, हमने सिर्फ आई लिखा इंपोर्ट आ गया और उसके अंदर एम लिखा सिंगल उसकी कोटेशन के अंदर मैंने एम लिखा तो वो मटेरियल डॉट डॉट लिखा हुआ आ गया। फर्स्ट स्टेप हमेशा हमारे पास ये होगा। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, हमने एक मेन फंक्शन बनाना है और उसके अंदर अपनी कमांड देनी है एप्लीकेशन को रन करने की। यहाँ पर हमने वॉइड लिखा मेन, उसके आगे दो स्मॉल ब्रैकेट्स, आगे दो करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज की। उस करली ब्रैकेट्स के अंदर ही हमने, जैसे हम नेविगेटर की यहाँ पर कमांड देते हैं अपने ऑन प्रेस फंक्शन के अंदर, यहाँ मेन फंक्शन के अंदर हमने अपनी एप्लीकेशन को रन करने की कमांड दे दी। अब पहले माई ऐप के नीचे एरर आ रहा था क्योंकि हमने माई ऐप आगे बनाया नहीं था कोड में, तो वो हमने कैसे बनाया, हमने स्टेटलेस लिखा, STLES लिखा, तो हमारे पास स्टेटलेस विजिट का कोड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टार्ट में कर्सर ब्लिंक कर रही थी वहाँ पर हमने सेम स्पेलिंग जो हमने ऊपर लिखे हैं यहाँ पर रन ऐप के अंदर, वो हमने यहाँ पर लिखे विदाउट ब्रैकेट्स, तो हमारे पास ये एरर रिमूव हो गया और हमारा स्टेटलेस विजिट बन गया। हमने उसके रिटर्न में जाके सिर्फ मटेरियल ऐप वाला विजिट जो है वो दे दिया। मटेरियल ऐप विजिट क्या हमें दे रहा था, टाइटल दे रहा था, थीम दे रहा था और होम जो कि हम अभी करने वाले हैं। अब यहाँ पर थीम डाटा की ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे क्लोज हो रही है, ठीक है। इसके आगे कॉमा लगाया हुआ है, इसके बाद हमने विजिट यूज करना है होम, स्मॉल एच के साथ पहले होम लिखेंगे, आगे हम अपने या होम का कोई भी नेम लिख सकते हैं, लाइक होम स्क्रीन भी लिख सकते हैं, माई होम की जगह जो जो भी आपको चाहिए नेम आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे आप डबल लाइक लाइक स्टार्ट एंड क्लोज दोनों ब्रैकेट्स लगाएंगे तो ये विजिट बन जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन सारी जो ब्रैकेट्स क्लोज हो रही हैं इनके एंड में चले जाना है, इनके लास्ट में जाकर हमने यहाँ पर स्टेटफुल विजिट बनाना है। स्टेटफुल विजिट कैसे बनाते हैं, हम एस लिखेंगे, आपके पास फिर वो तीन आ जाएंगे आइटम्स, आपने अब स्टेटफुल के ऊपर क्लिक करना है। अब ये स्टेटफुल विजिट का कोड है। अब यहाँ पर एरर आ रहा है, ऊपर जो हमारे पास हमने विजिट बनाया था वो सेम स्पेलिंग हमने यहाँ पर लिखने हैं, होम आगे वही सेम स्पेलिंग के साथ स्क्रीन, ठीक है। अब ये हमारे पास ऊपर एरर रिमूव हो गया होम के अंदर, ठीक है। अब नीचे हमारे पास स्टेटफुल विजिट बन गया है, यहाँ तक हमारा स्टेट, ये नीचे स्टेटफुल विजिट का कोड बन गया है, ऊपर हमारे पास स्टेटलेस विजिट का कोड बन गया है। आप चाहें तो इसको न्यू स्क्रीन पर भी जाकर, न्यू फाइल के ऊपर भी जाकर ये कोड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं उस साइड पे नहीं लेके जा रहा, मैं इसी एक ही मेन डॉट डार्ट के अंदर ही, जो हमारे पास ये मेन डॉट डार्ट है लिब के अंदर पड़ी है, हम इसके अंदर ही सारा कोड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके रिटर्न में हम स्कैफोल्ड करेंगे, लेकिन ये आपको यहाँ तक समझ अगर आ गया तो ये वैलन कोड है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको मजीद जो है वो स्टेटफुल विजिट डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है।